अब हम ओवरहेड अपोर्शनमेंट स्टेज टू का एक सवाल करेंगे स्टेज टू में जैसे कि हमने पढ़ा कि दो मेथड्स हैं दो स्टेजेस हैं नंबर वन डायरेक्ट मेथड एंड नंबर टू स्टेप डाउन मेथड तो एक एक करके दोनों को देखेंगे कि किस तरह सॉल्व होगा ऑलराइट राइट सबसे पहले यहाँ पे कुछ और बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट गिवन है स्टोर्स के लिए नंबर और कॉस्ट वैल्यू ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस मेंटेनेंस के लिए आवर्स ऑफ मेंटेनेंस वर्क एंड प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क ऑल राइट डायरेक्ट मेथड ऑफ री अपोर्शनमेंट इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है उसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे ये हमेशा उसूल बना लें अपना कि जब भी कोई सवाल आएगा रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी है कि हमसे एग्जामिनर आखिर पूछ क्या रहा है या हमसे चाहता क्या है कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स पी एंड क्यू दो कॉस्ट सेंटर्स के टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट निकालने हैं अब देखते हैं कैसे के क्वेश्चन में डेटा और फिगर्स के आगे बने विंडफील कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग ओवरहेड हेड कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पी एंड क्यू स्टोर कॉस्ट सेंटर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर्स यानी हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स दो हैं और सर्विस कॉस्ट सेंटर्स भी दो हैं एक स्टोर्स और एक मेंटेनेंस। अब डायरेक्ट मेथड ऑफ री अपोर्शन में लेट्स हमारे पास गिवन है एलोकेटेड कॉस्ट मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि एलोकेटेड कॉस्ट यूजुअली क्वेश्चन में गिविन होगी जो कि यहाँ पर भी गिविन है सिक्स थाउजेंड डॉलर्स फॉर पी फोर थाउजेंड डॉलर्स फॉर क्यू वन थाउजेंड डॉलर्स फॉर स्टोर्स टू थाउजेंड फॉर अपोर्शन कॉस्ट भी गिवन है 2000 फॉर पी 1000 फॉर क्यू 1000 फॉर स्टोर्स एंड 500 फॉर मेंटेनेंस और यहाँ पे टोटल ओवरहेड खर्चा निकाला हुआ है ठीक हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पी रेक्शन मटेरियल्स टू द वैल्यू ऑफ 12000 यानी 12000 के मटेरियल्स खरीदे किस डिपार्टमेंट ने पी ने नाउ कॉस्ट सेंटर क्यू रेकिश 8000 हजार क्यू ने कितने का माल खरीदा 8000 का मेंटेनेंस कॉस्ट सेंटर प्रोवाइडेड 500 हंड्रेड आवर्स ऑफ वर्क फॉर कॉस्ट सेंटर पी एंड 750 फिफ्टी आवर्स फॉर कॉस्ट सेंटर क्यू यानी मेंटेनेंस 500 घंटे किसके लिए काम करता है पी के लिए और 750 घंटे किसके लिए काम करता है क्यू के लिए और बेसिकली ये जो रेक्विजिशन मटेरियल है ये कहाँ का, का काम लग रहा है ये स्टोर्स कॉस्ट सेंटर का यानी यहाँ पर इन्वेंट्री कितनी की मंगवाली बारह हज़ार की और यहाँ पर क्यू क्यू ने कितने की मंगवा ली आठ हज़ार की अब हमें टोटल ओवरहेड खर्चा चाहिए पी का और क्यू का यानी कि जो भी हमारे पास सर्विस कॉस्ट सेंटर्स होंगे उनका खर्चा भी हम किन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में क्यों क्योंकि हमें ये बताया गया है कि ये प्राइमरी डिपार्ट ये प्राइमरी डिपार्टमेंट है ठीक है जी प्राइमरी डिपार्टमेंट दीज आर द सेकेंडरी और सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स यानी कि प्राइमरी डिपार्टमेंट्स अगर ना हो तो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स का कोई काम नहीं और प्राइमरी डिपार्टमेंट्स की एग्जिस्टेंस की वजह से सेकेंडरी या सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं लिहाजा इनका भी जो जो कुछ भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ख़र्चा है ओवर हेड एक्सपेंसिस हैं वो हमें इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्योंकि असल में इन दोनों जगहों पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और प्रोडक्ट की कॉस्ट इन दोनों में फॉल करेगी अच्छा जी अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें शुरुआत कहाँ से करें तो सबसे पहले तो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट में हमें बताया गया है कि इन दोनों को किस तरह पोर्शन करना है इन दोनों सेंटर्स में वो देखते हैं तो सर्व सबसे पहले आप लिखेंगे सर्विस कॉस्ट सेंटर स्टोर्स मेंटेनेंस बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट हमने कि जैसे यहाँ पे पढ़ा कि स्टोर्स के लिए नंबर और कॉस्ट वैल्यू ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस हैं तो वैल्यू ऑफ रिक्वजिशंस एंड मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस आवर्स दोनों की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है तो हमने सिर्फ़ इसको यूज़ करना है और पी और क्यू में अपोर्शन करना है जैसे कि हमने पिछले सम में बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट में किया था उसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया स्टोर्स की टोटल कॉस्ट क्या आ रही है uh, सबसे पहले तो स्टोर्स की टोटल कॉस्ट आ रही है 2000 और मेंटेनेंस की 2500 तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया ये ओवरहेड खर्चा आया अब हमें इन दोनों खर्चों को किस में डिवाइड करना है इसमें और इसमें ठीक है इन दोनों में डिवाइड करना है तो अब क्या करें इन दोनों में इनकॉर्पोरेट करना है इन दोनों खर्चों को किस में इनकॉर्पोरेट करना है पी और क्यू डिपार्टमेंट के खर्चों में एस और एम के खर्चों को इनकॉर्पोरेट करना है ओके okay. अब सवाल ये है कि हमें अपोर्शनमेंट किस तरह से करनी है स्टोर्स एंड मेंटेनेंस की डिपार्टमेंट पी एन क्यू में तो हमारे पास यहाँ पे पहले हमें पता चल गया बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट इसकी वर्किंग वन में आइए देखते हैं कि किस तरह से हमें बताया गया तो स्टोर्स कॉस्ट सेंटर ओवरहेड्स दीज आर अपोर्सन एज फॉलोज टोटल वैल्यू ऑफ मटीरियल डेक्वजिशन कितने हैं बारह और आठ सो बारह प्लस आठ हज़ार ठीक है जी अच्छा बारह हज़ार पी के लिए और ये क्यू के लिए तो अब हमें कॉस्ट को री अपोर्शन करना है पी में हमारे पास कॉस्ट क्या है टू थाउजेंड तो हम क्या करेंगे ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइड बाई ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टू थाउजेंड बारह सौ तो बारह सौ तो का खर्चा बी पी में चला गया डिपार्टमेंट पी में सेम वे हम करेंगे री अपोर्शनमेंट टू कॉस्ट सेंटर क्यू तो कॉस्ट सेंटर क्यू में आठ हज़ार डिवाइड बाई ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट एंड वॉट इज द कॉस्ट टू थाउजेंड सो ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइड बाई आठ हज़ार डिवाइड बाई ट्वेंटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टू थाउजेंड इक्वल्स टू एट हंड्रेड तो एट हंड्रेड आ गया तो हमने क्या किया हमने कॉस्ट ऑफ स्टोर्स को ओवर हेड खर्चे स्टोर्स को डिवाइड किया या अपोर्शन किया पी डिपार्टमेंट में और क्यू डिपार्टमेंट में किस तरह से उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियसली बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट को यूज़ करते हुए किया था नेक्स्ट मेंटेनेंस मेंटेनेंस की टोटल कॉस्ट कितनी है 2500 2500 को हमें अपोर्शन करना है पी में और क्यू में किस तरह करेंगे अगेन वन थाउज हमें पता है कि ये आवर्स के बेसिस पर होता है तो आवर्स कितने हैं हमारे पास टोटल फाइव हंड्रेड प्लस सेवन फिफ्टी वन टू फाइव जीरो आवर्स तो फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई वन टू फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाय पच्चीस सौ पच्चीस सौ इधर है तो इक्वल्स टू वन थाउजेंड वन थाउजेंड आ गया फिर सेम वे सेवन फिफ्टी डिवाइड बाई वन टू फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाय पच्चीस सौ पंद्रह सौ तो हमने अपोर्शन कर लिया कि किसको स्टोर्स एंड मेंटेनेंस यानी सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को हमने दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शनमेंट कर लिया किस बेसिस पर बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट यूज़ करते हुए नाउ अब हम टोटल खर्चा लिख लेंगे 2200 और इधर टोटल खर्चा लिख लेंगे 2300 और प्रीवियसली जो खर्चा आया हुआ था इन दोनों का उसको हम ऐडअप कर लेंगे यहाँ पर तो 8000 और 5000 हज़ार एडअप किया टोटल खर्चा ओवरहेड का आ गया और इधर आ गया सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ये है हमारे पास डायरेक्ट मेथड ऑफ़ री जिसमें जिस हमने क्या किया सिंपली सर्विस कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड खर्चे को प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट के तहत डिवाइड कर दिया इनकॉर्पोरेट कर लिया ठीक हो गया अब हम मूव ऑन करेंगे स्टेज टू की तरफ विच इज़ step-down method of reapportionment.